नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खम्बागणी, राम राम साहब, सभी का ऑल इंडिया मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर, और बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान की। पाकिस्तान में तो सब सेल पर जा रखा है, एयरपोर्ट सेल पर, जिन्ना का पार्क सेल पर, ये सेल पर, वो सेल पर। इसमें अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात आई है, सऊदी सऊदी स्टेप्ड इन बिग वे। सर, हमारे पास क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान के बारे में, और ऐसा क्यों हो रहा है? जी सर, देखिए, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, 57 देश हैं, कोई तो इनको कर्ज दिया नहीं। अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं बाकी पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। और इसके वजह से पाकिस्तान के 50,000 पिलग्रिम्स आज पिलग्रिम्स सऊदी अरब में लटक गए हैं, नहीं आ सकते। और पाकिस्तान एयरलाइंस सऊदी में अब फ्लाई नहीं कर सकता, वहां नहीं जा सकता। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बनेंगे। ये जिन्ना ने कहा था, और नंबर 1 देश की स्थिति अब देख लीजिए। ये जी पड़ोसी के पैसा से समोसा खाने का जो आदत है पाकिस्तान का, वो नहीं चलेगा। खाली धर्म के नाम पे यदि बेवकूफ बना पाकिस्तान बेवकूफ बना रहा था, और अफगानिस्तान के कारण अमेरिका का बेवकूफ बना रहा था, अब वो सिस्टम नहीं चलेगा। हर एक राष्ट्र अपना हित देखता है कि मेरा हित क्या है, राष्ट्र हित क्या है। आज की तारीख में सऊदी को पता है कि हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा मार्केट, इकोनॉमिक मार्केट है। हिंदुस्तान एक बढ़ता हुआ पावर है, सुपर पावर है, काफी हद तक सुपर पावर बन पाने के स्टेटस पे पहुंच चुका है। तो फिर उसका हित कहाँ छुपा है? हित छुपा है हिंदुस्तान के साथ दोस्ती, हित छुपा है कि आर्थिक स्ट्रक्चर जो है वो हिंदुस्तान के साथ बढ़ाया जाए, ये उसका हित छुपा है। उसका हित इसमें नहीं छुपा है कि पाकिस्तान को कर्ज देते रहो और वो जैसे घड़ा में छेद होता है, पानी डालते जाओ पानी बहता जाता है, वही है पाकिस्तान। कितना भी पैसा दे दो, 23 टाइम्स या 22 टाइम्स लोन लिया है पाकिस्तान ने IMF से, लौटाया है क्या? चाइना से लोन लिया है, लौटाया है क्या? चाइना तो उसके बदले में जमीन वगैरह लिखवा रहा है, गिरवी करवा रहा है, जो पोर्ट है उसको भी कैप्चर कर लिया है। तो सवाल होता है कि भीख के आधार पे कब तक ऐश करोगे, कब तक सिनेमा देखोगे, बटर चिकन खाओगे, नहीं सिस्टम चलेगा। तो लोगों को समझ में आ गया, इंक्लूडिंग सऊदी, कि पाकिस्तान एक कोड़ है, इसको दूर रखना ही सही है। खाली धर्म के नाम पे कब तक भजाओगे भाई? अपनी आर्थिक व्यवस्था तो ठीक करो। तो ये अब पाकिस्तान के बहुत ही बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि तो पहले ये धर्म के नाम पे सब जगह जाके कटोरी लेके भीख मांग लेना था, अब ये सिस्टम नहीं चलेगा। दूसरा, ये तो आर्थिक एंगल हो गया, अब हो गया स्ट्रेटजिक एंगल, जियो स्ट्रेटजिक एंगल। जियो स्ट्रेटजिक एंगल इस तरह से है कि सऊदी को समझ में आ रहा है कि यदि पाकिस्तान को ज्यादा मदद किया तो उसके राष्ट्रहित में नहीं है। दोस्ती करो हिंदुस्तान से, दोस्ती करो मोदी जी से, उससे फायदा ही फायदा है। और आपको जान के ताज्जुब होगी, जिस बात पे आज तक सऊदी उछल रहा था, ऑयल ऑयल, उसका अल्टरनेटिव काफी हद तक हिंदुस्तान ढूंढ लिया है और ढूंढ लेगा। तो बहुत दिन ऑयल उनके लिए एक आर्थिक ब्रह्मास्त्र नहीं रहेगा, तो फिर कौन मदद करेगा? विश्व का सबसे बड़ा मार्केट, वो कौन मार्केट है? हिंदुस्तान का मार्केट। पाकिस्तान खरीदेगा क्या उसका सामान? उसके साथ ट्रेड करने से उसको फायदा होगा क्या? कतई नहीं। जो अमेरिका आर्थिक दृष्टिकोण से हिंदुस्तान के सामने झुक रहा है, तो सऊदी क्या है? कौन सी बड़ी खेत की मूली है? सऊदी को तो झुकना पड़ेगा। तो वो अनुसरण कर रहा है अमेरिका की, भाई हित इसी में है कि हिंदुस्तान को बड़ा भाई बनाओ, उसके साथ दोस्ती करो, ट्रेड करो, पैसा कमाओ, क्योंकि ऑयल वाला धंधा ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है गायत्री, वो दुकान बंद होने वाली है। और हिंदुस्तान ने तो हद ही कर दिया, और बहुत अच्छा किया, मुझे खुशी होती है। रूस से ऑयल लिया, उसको थोड़ा सा प्रोसेसिंग किया अपने ऑयल रिफाइनरी में, और यूरोप को बेच दिया, यूरोप के देशों को। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो गया है वो ऑयल का हिंदुस्तान। कमाल देखिए, जो हम लोग इंपोर्ट करते थे, मतलब मोदी जी से कोई सोचे सीखे कि बिजनेस कैसे किया जाता है। माल तुम्हारा नहीं, माल दूसरे देश से लिया, थोड़ा लिपस्टिक लगाया और बेच दिया,
ये बोलते हैं कॉम्पिटेंस, ये बोलते हैं काबिलियत, ये मोदी इंडिया में ही पॉसिबल है। और जयशंकर जी जाके यूरोप में उनको लथार मार के आ जाते हैं कि अपना आर्टिकल 844 तो देख लो, जो कहता है कि किसी देश से आदमी इंपोर्ट करता है और वहां प्रोसेस कर लेता है तो माना जाएगा कि जहां प्रोसेस हुआ वही देश है पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट, पुराना वाला देश नहीं है। तो हम तो 844 का वायलेशन किया ही नहीं है, तो काहे उछल रहे हो भाई। तो ये सवाल है, तो सब अपना राजनीतिक देख रहे हैं। देखिए जैसे जैसे मेरा भविष्यवाणी है, जैसे जैसे हमारा कद बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे गायत्री कई लोग, कई देश, मुस्लिम देश 57 जो बाय 57 है उसमें से सब हमारे मोदी जी बांसुरी बजाएंगे। और ये राधाएं जो है, राधा नहीं बोलूंगा, ये लोग दूसरे कैटेगरी में है, राधा मैया तो बहुत ही अच्छी थी, तो ये दूसरे कैटेगरी वाले लोग हैं, ये नाचेंगे। मोदी जी बांसुरी बजाएंगे, ये नाचेंगे। और सऊदी अरबिया का जो प्रत्यक्ष रूप में हम व्यवहार देख रहे हैं, ये उसी का स्वरूप। तो ये जो पाकिस्तान की जो अभी बेइज्जती हो रही है, ये तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि वो डिफेंस बजट, काफी हद तक डिफेंस पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स हैं और डिफेंस बजट है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि अमेरिका अपने फेडरल बजट का जो डिफेंस पे 10% खर्च करता है। विश्व का सबसे धनी देश अपने डिफेंस बजट 100% में 10% खर्च करता है डिफेंस पे, और पाकिस्तान 33% 33% खर्च करता है। ये प्रायोरिटी है। और लास्ट ईयर जो जो पिछला इसने इंक्रीज दिया था बजट में, वो था 11% का। अभी जो लेटेस्ट बजट की बात हो रही है उसमें 15% का इंक्रीज किया है। आवाम को पूछना चाहिए ना कि जब इतना पैसा खर्च कर रहे हो डिफेंस पे, आपने पाकिस्तान के लिए किया क्या? पाकिस्तान के जनरल्स पनामा लीक में 52 जनरल्स का नाम था, क्यों नहीं हरकत हुआ? नवाज शरीफ को तो हटा दिया गया, उसी लीक पे जनरल्स का कुछ नहीं हुआ। सीपीसी क्वार्टर में, कॉरिडोर में जनरल बाजवा, जो ये पुराना चीफ जनरल बाजवा का एकदम हितैषी था, उसको जो भ्रष्टाचार में पकड़ा गया सिर्फ हटा दिया गया। कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? खाली हटाने से काम थोड़ी चलेगा। और मैं डिफेंस बजट के बाद कुछ ऐसी ऐसी बात कहूंगा कि आप एकदम ताज्जुब कर जाइएगा। IMF ने कहा है पाकिस्तान को कि आपको एक ये और बता दूं कि टोटल जो पाकिस्तान का बजट है वो 1,80,000 करोड़, 1,800 बिलियन पाकिस्तान का सिर्फ डिफेंस बजट है। और IMF ने कहा है कि 600 अरब कम करो पाकिस्तानी रुपये में। आर्मी का अकाउंट्स बुक ऑडिट नहीं होता है, ऑडिट अथॉरिटी को ऑडिट करने की परमिशन नहीं, कोई कैग ऑडिट नहीं कर सकता है। तो आर्मी का अकाउंट अलग है, एयरफोर्स का अलग है, नेवी का अलग है। तो IMF ने कहा कि भाई पहले अकाउंट दिखाओ आर्मी का। शहबाज शरीफ ने कहा यह मुमकिन नहीं है। मतलब टोटल दादागिरी, सेना का पेंशन $600 बिलियन और हम लोग का पेंशन जो है वो आर्मी कोड हेड से जाता है, वहां सिविलियन कोड हेड से जाता है। इसका मतलब डिफेंस बजट अलग, उसके अलावे सिविलियन बजट में ये घुस जाते हैं पेंशन लेने के लिए, और 600 बिलियन। और ये अपना असेट नहीं बताते हैं। हम लोग तो भारतीय सेना में हमारा ईयरली रिटर्न जाता है जिसमें हमको अपना असेट बताना पड़ता है, तो ये तो असेट बताते नहीं है। जनरल बाजवा ऐसे ऐसे लोग बार $12 बिलियन कमा के कोई असेट नहीं बताते कहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है। और जब IMF ने कहा कि असेट बताओ तो इन्होंने मना कर दिया, नहीं कर सकते। तो काफी हद तक इस बर्बादी का कारण, पाकिस्तान के बर्बादी का कारण है पाकिस्तान की डिफेंस, बेसिकली आर्मी। हाँ पूछो जी। तो सर पाकिस्तान का नेशनल लेवल पे इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, एंड और नॉर्मल जो वहां के सिविलियंस हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसा है? जी सर, यदि पाकिस्तान के आर्थिक व्यवस्था का राष्ट्रीय स्तर पे हम बात करें तो इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है कि पाकिस्तान ऑलरेडी डिफॉल्ट स्टेट हो चुका है। उसका फॉरेन, कुछ मैं वाइटल डाटा पे टिप्पणी करूंगा, फॉरेन डेट है 43 लाख करोड़। ऑल पाकिस्तान को चाहिए एनुअल अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए $350 बिलियन।
पाकिस्तान का नेशनल डेट है 274 बिलियन डॉलर्स, मार्च 23 में उसको देना था 8.3 बिलियन डॉलर्स पेमेंट्स करना था, नहीं किया। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट के लिए पाकिस्तान की लाइबिलिटी है 950 बिलियन पाकिस्तानी रुपी। यदि 3 बिलियन मिल भी गया IMF से, जो आप कह रही हैं अभी थोड़ी देर पहले मिला है, तो ये 350 बिलियन डॉलर्स 43 लाख करोड़, ये सब कहां से आएगा? बांग्लादेश को IMF ने 4.7 बिलियन डॉलर दिया है और पाकिस्तान को 3 लाख सिर्फ दे रहा है। चाइना पाकिस्तान को कह रहा है कि भैया मेरा जो 100 बिलियन डॉलर है वो लोन माफ हम नहीं कर सकते, वो हमको लौटाओ। तो पाकिस्तान की जो रुपी है वो तो मेरा ख्याल है 300 के डॉलर के तुलना में 300 के रेंज में घूम रहा है। ईरान ने कहा है कि हमारा वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना था यदि नहीं हुआ टाइम से तो 18 बिलियन डॉलर्स का हम पेनल्टी लगाएंगे। इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 30% हो गया है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इलेक्ट्रिसिटी का कर्ज है 8.5 बिलियन डॉलर्स। पाकिस्तान ने मांगा IMF से 8 बिलियन डॉलर, मिला 3। UNDP से मांगा 16 बिलियन डॉलर्स, मिला 0। सऊदी अरबिया से आर्मी चीफ गया था जनरल सिमुनीर, मांगा 2 बिलियन डॉलर, मिला 0। दिवालिया से बचने के लिए पाकिस्तान को चाहिए 10 बिलियन डॉलर्स। तो ये गायत्री 7 बिलियन डॉलर कहां से आएगा? कहां से? हवा से तो आएगा नहीं। अब आते हैं कि कुछ और बिंदु पे मैं टिप्पणी करूंगा कि 70% ऑफ द फैक्ट्री पाकिस्तान में क्लोज हो गया है, LC नहीं खुल रहे हैं। कराची के बिजनेसमैन, अच्छा जो टॉप बिजनेसमैन है पाकिस्तान के, उनके पास दो दो पासपोर्ट होता है और वो अपना असेट्स जो है गोल्ड में कन्वर्ट करके, और कितने चार्टर्ड प्लेन्स जा रहे हैं दुबई, ये सब पाकिस्तान के बिजनेसमैन। JF-17 जो चाइनीज फाइटर जेट है 40% ग्राउंडेड हो गया है, 4 ब्रिगेड डॉक हो गए हैं कि बिना फ्यूल के। जनरल बाजवा ने कहा कि हमारे पास टैंक के लिए भी फ्यूल नहीं। आर्मी के पास पैसा नहीं है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे सोल्जर्स को पैसा देने के लिए। 2.50 करोड़ चिल्ड्रन स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जमील अहमद जो स्टेट बैंक गवर्नर है उसने कहा है कि फरवरी मार्च में कहा था कि 3 सप्ताह में ही इंपोर्ट पूरी तरह से बंद हो जाएगा। 50% इंक्रीज इन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कहता है कि मेरे पास पेट्रोलियम है ही नहीं, तो ये देश चलेगा कैसे? अब यदि हम नॉर्मल सिविलियन की बात करें गायत्री, तो पेट्रोल का प्राइस है 250 रुपये लीटर, ये कुछ दिन पहले का न्यूज था। डीजल 263 रुपीज लीटर, 15 kg पैकेट आटा 3,100 में आ रहा है। आटा 2 kg आटा के लिए लड़ाई हो रही है स्ट्रीट पे, आप वीडियो सोशल मीडिया में देख रहे हो, लोग दुकान में घुस के दुकानदारों को शूट कर रहे हैं। जो आटा अवेलेबल है मार्केट में वो पाकिस्तान आर्मी ने कैप्चर करके आर्मी गोडाउन में शिफ्ट कर दिया है, आम जनता क्या करेगी? चीनी और घी का प्राइस 25% ऊपर गया है। कराची में आटा नहीं है, बलूचिस्तान में बीज खत्म है, टमाटर नहीं है, चीनी नहीं है, शिप्स में पेरिशेबल आइटम सड़ रहे हैं क्योंकि LC नहीं खोल सकता है पाकिस्तान, कोई लाइट नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एनर्जी सेविंग मेजर्स सरकार ने लगाया है कि रात में सब प्लांट बंद रहेंगे, तो इंडस्ट्री का क्या होगा? कोई पेट्रोल नहीं, कोई गैस नहीं, कोई पानी नहीं। वारे देश, वारे जिन्ना, कहा था विश्व का देश नंबर 1 होगा। सरसों तेल 530 रुपये लीटर, दूध 150 रुपये लीटर, पेट्रोल 250 रुपये प्रति लीटर, केरोसिन 190 लीटर। तो गिलगित बल्टिस्तान में 13 साल का बच्चा सुसाइड कर रहा है, जब माँ उसको आटा लेने के लिए भेजी तो सुसाइड कर दिया। ये हालत है पाकिस्तान में सिविलियंस का, और इनकी बर्बादी का सिर्फ इनकी कार्य गायत्री सोच है, गलत सोच। पाकिस्तान के लोग, मैं बहुत कड़े शब्दों में बोलने जा रहा हूं, ये राष्ट्र का हित नहीं करते। एक पाकिस्तानी मुस्लिम की सोच है अपने सेक्स की भूख को खाली पूरा करो, शादी पे शादी करते रहो, बच्चे पे बच्चा पैदा करते रहो, लेकिन देश के लिए इनकम कौन लाए गायत्री?
यदि अपनी अय्याशी करते रहेंगे तो देश के लिए इनकम कौन जनरेट करेगा, यही इनकी सोच है। ये सोचते हैं तीन ए पे डिपेंड करते ही है कि तीन ए हमारा भला कर देगा, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। अल्लाह भी किसको मदद करता है? एक संस्कृत में कहावत है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगा। सो फिर रिपीट करता हूं, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगा। सोते हुए सिंह में, सिंह तो राजा है, वो तो जो चाहे वो होगा, लेकिन उसको भी अपने खाने के लिए शिकार करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। और पाकिस्तान के मुस्लिम समझते हैं कि अल्लाह उनके थाली में आके परोस देगा, हाथ से खिला देगा कि ए पुत्र खा ले, मुंह में डाल देगा। ऐसा नहीं होता है। यही पाकिस्तान की बर्बादी का कारण है। इंडस्ट्री बर्बाद, कराची जो एक जमाने में बॉम्बे का भी से तुलना में इक्वल स्टेटस पे था, कलकत्ता के इक्वल स्टेटस पे था, कतर। इनकी सोच में कीड़ा है, इनका कुछ नहीं हो सकता है। अमेरिका भी, अल्लाह ने कुछ किया, अमेरिका भी अब हाथ खींच लिया है, और आर्मी तो इनको लूटने पे लगी हुई है। तो तीनों ए में मदद कौन करेगा? कोई नहीं, ये खुद अपना मदद नहीं कर सकते। इनकी सोच में ही पाप है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप सपोर्ट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।